सब्सक्राइब करें मिस्टर टेक ब्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे सबसे पहले हमारे टेक वीडियोस देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक ब्रो यूट्यूब चैनल और मैं हूं राहुल के साथ। सो आज के इस वीडियो में आप दिखाने जा रहा हूं MIUI 9 का जो बीटा टेस्टिंग का जो रोम अभी अवेलेबल हुआ है या OTA के द्वारा मिल रहा है बीटा टेस्टिंग में। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा। रिव्यू में पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक ठाक से, तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है। तो वो रोम का क्या क्या रिव्यू में देने जा रहा हूँ, क्या क्या आपको मिल जाता है, और चाइना रोम का मैंने एक रिव्यू किया था वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा था और यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे दिया है MIUI 9 पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं जो कि मेरा अभी मैंने OTA फ्लैश किया है और OTA के द्वारा मुझे जो अपडेट मिला था तो वो अपडेट में मुझे MIUI 9 आ गया है जो है MIUI 9 7.8 8.10। तो ये एक वीकली अपडेट है। अभी इस रोम पे आपको डेली बेसिस में मतलब वीकली बेसिस में आपको अपडेट मिल जाएगा फ्राइडे में, जो कि चाइना रोम पे नहीं आता था। तो इंडियन वाले जो ग्लोबल रोम है इसमें आपको मिल जाएगा वीकली अपडेट, और उसके साथ मैं दिखा देता हूँ व्हाट्स न्यू या बोल सकते क्या क्या न्यू देखने को मिल रहा है नया नया फीचर MIUI 9 पे। तो MIUI 9 का जो लाइटनिंग फास्ट बोल जाता है या MIUI 9 ने आपको मिलता है वो है न्यू जो फीचर, वो है डीप लेवल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, न्यू आइकॉन्स वगैरह, न्यू एनिमेशन, लॉन्चिंग एग्जिस्टिंग एप्स। तो ये सच बात है, मैं ये किस तरह काम करता है मैं दिखाता हूँ अभी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपने एप्लीकेशन पर किस तरह ये काम करता है। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, अगर मैं किसी फोल्डर पर जाता हूँ जैसे इस तरह, उसके बाद होम बटन पर अगर प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह एनिमेशन के साथ बंद होता है। उसके बाद सेटिंग्स पर अगर जाओ तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर काम किया उसके बाद यहाँ पर बंद कर दिया, तो देख सकते हैं किस तरह सेटिंग्स में थोड़ा एनिमेशन हमको दिखाई देते, थोड़ा घूम जाता है यहाँ पर सेटिंग्स का जो लोगो। उसके बाद अगर दिखाओ तो यहाँ पर ये कॉल जो फ़ोन ऑप्शन है यहाँ से जाता हूँ, उसके बाद इसे डायरेक्ट ऑफ कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद देख सकते हैं कॉल बटन में थोड़ा एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पर ब्राउज़र पे कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैमरा वहाँ पर भी कुछ एनिमेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद गैलरी पे जाओ तो गैलरी पे कुछ एनिमेशन आपको दिखाई देगा। तो इसके बाद इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इनबिल्ट आपको मिलता है अपने MIUI 9 की ग्लोबल रोम में। तो सभी चीज़ में नहीं पर कुछ कुछ चीज़ें में आपको इस तरह एनिमेशन देखने को मिलता है। और जैसे आईफोन में अगर आपने देखा है कि एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद थोड़ा क्लोजअप टाइप का एक एनिमेशन मिलता है, वैसा ही एक एनिमेशन यहाँ पर भी मिलता है। और नया क्या देखने को मिला ये था एक नया चीज़। उसके बाद अगर बोलूँ तो इसका जो UI है सेम एकदम MIUI 8 या MIUI 7 जो भी बोले आप उसी की तरह सेम है। MIUI का कुछ डिफरेंस नहीं है अपने लुक में, पर कुछ नया नया आपको ऑप्शंस या नया नया फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि MIUI 8 में नहीं था। जैसे कि सबसे पहले बात कर ले जो कि सबका डिमांड था या सब चाहते थे, तो वो है स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरह। आप अगर रिसेंट बार में जाते हैं उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन मोड आपको दिखाई देगा। स्प्लिट स्क्रीन मोड का जब भी आप प्रेस करें उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट कर सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर सेटिंग्स को भी स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इस तरह करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन उसके बाद इसे ऊपर ले जाके कुछ इस तरह। इसके बाद मैं कुछ चाहूँ जैसे कि ब्राउज़र, तो ब्राउज़र का मैं ओपन कर सकता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह आपको मिलता है। यहाँ पर आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। आप अगर इस तरह आपको कुछ भी काम करना है तो आप इस तरह काम कर सकते हैं, कोई आम बात नहीं है एकदम। जो कि आपका एंड्रॉयड नूगट या एंड्रॉयड 7.0 का खास फीचर है स्पीड स्क्रीन, तो वो आपको देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन में कुछ इस तरह, देख सकते। तो ये था एक खास फीचर जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरतमंद है इस फीचर के। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या न्यू देखने को आपको मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपको कैमरा में कुछ नया देखने को मिल रहा है कि नहीं। देखिए कैमरा में कुछ नया नहीं, पर क्वालिटी इशू के बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, एकदम थोड़ी माइनर कुछ डिफरेंस है जो कि आपको कैमरा में देखने को मिलता है। जैसे कि मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर क्वालिटी में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ न्यू डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिटी थोड़ा बहुत बेहतर हो चुका है। उसके साथ यहाँ पर फ्लैश लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि इस तरह की भाई MIUI 9 का जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह आपको देखने मिलता है फ्रंट कैमरा। तो MIUI 9 में आप ऐसा आप सोच सकते हैं कि 4K अवेलेबल किया कि नहीं, क्योंकि ये जो चिपसेट है 625 यहाँ पर आपको 4K मिल जाता है, पर इन्होंने इसे बंद करके रखा है। आप इसे चाहे तो रूट करके कर सकते हैं 4K अवेलेबल, पर MIUI 9 पर भी यहाँ पर आप कोई 4K वाला कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड फुल स्क्रीन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर जो क्वालिटी वगैरह है यहाँ पर सिर्फ पिक्चर क्वालिटी हाई तक है। यहाँ पर आपको 1080p रिकॉर्डिंग होगा, 4K अवेलेबल नहीं है।
पर आप रूट करके कर सकते हैं या गूगल कैमरे के द्वारा कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ये सब मिल जाता है, यहाँ पर बस इतना ही, कैमरा में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर कुछ डिफरेंस है। नया ऑप्शन में जाके अगर कुछ सिंक्स या कुछ भी नया ऑप्शन नहीं है, सेम वैसा का वैसा है। मैनुअल पे जाए तो सिर्फ मैनुअल का वही दो ऑप्शन, यहाँ पर आप सारे चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, उतने उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और इसके साथ इसके बाद अगर बात करें तो और नया क्या आपको देखने को मिलता है, देखिए इसके बाद अगर नया कुछ देखने को मिलता है वो सेटिंग्स पे जाते, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको चाइना रोम पे एक अवेलेबल मिलता है MIUI लैब करके एक ऑप्शन यहाँ पर था, जो कि MIUI 9 का ग्लोबल रोम पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक ऑप्शन था जहाँ से आप कुछ भी कॉपी कर सकते हो किसी भी स्क्रीन पे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके बाद और भी ऑप्शंस जो कि इस फोन में नहीं मिल रहा उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ऐप लॉक में जाए तो वही ऐप लॉक का वही एनिमेशन, फिर एक एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। एक आइकॉन यहाँ पर चेंज हुआ, जो कि आप अगर किसी भी ऐप लॉक में जाओगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक फिंगरप्रिंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा एक एनिमेशन या लोगो बोल सकते दिया हुआ है फिंगरप्रिंट का, जो कि MIUI 9 का चाइना रोम पे आपको नहीं मिल रहा था, जो कि इस MIUI ग्लोबल रोम में देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात कर ले तो और नया कुछ स्टोरेज वैसा का वैसा ही है, उतना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है जैसा जैसा था। इसके बाद नोटिफिकेशन स्टेटस पर मतलब सेटिंग्स वैसा का वैसा ही है, सिर्फ अवार्ड फोन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे कि और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि MIUI चाइना रोम पे आपको देखने को मिल रहा था ऊपर में माई डिवाइस करके कुछ इस तरह, मुझे ठीक याद नहीं है, तो माई डिवाइस करके कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। अवार्ड ऑप्शन नहीं था जो कि ग्लोबल ऑप्शन में मिल जाता है। तो MIUI वर्षन मैंने पहले ही बता दिया बीटा है ऐसा का, वैसे एंड्रॉइड 7.0 एंड्रॉइड 7.1 नहीं है। बहुत लोगों का मानना था कि 7.1 मिलेगा पर नहीं है, बस 7.0 मिला है, बाद में शायद 1 मिल सकता है, फिलहाल इसे 7.0 ही मिल रहा है। इसके बाद अगर सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो देख सकते 2017 7 मतलब पिछले महीने का ये आपको पैच लेवल मिल जाता है सिक्योरिटी पैच लेवल। इसके बाद साउंड प्रेस वॉल्यूम प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक साइलेंट मोड का ऑप्शन, अगर साइलेंट मोड पर आप जाते तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक साइलेंट मोड वाला ऑप्शन, तो कुछ इस तरह साइलेंट मोड। तो आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिलता है साइलेंट DND, मतलब जो कि एंड्रॉइड फीचर का बहुत अच्छा फीचर था डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो वो फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप साइलेंट कर सकते हैं इस यहाँ से, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। साइलेंट करने के बाद यहाँ से कितने टाइम तक करना है वो सारी चीज़ आपको मिलता है, DND वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो और नया कि मैं गैलरी में जाकर आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा, गैलरी में जाते जैसे आप सारे फोटोज़ तो देख ही सकते, उसके साथ आप फोटो देखने का कुछ अलग अंदाज बदल चुका है। यहाँ पर आपको जैसे हम देखा पीपल करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप नाम करके सीख सकते हैं, आपके पास जितने भी फोटोज़ है सारे फोटोज़ का आप रख सकते हैं, मतलब नाम देखे कि इस आदमी का फोटो सिर्फ यहाँ पर इस आदमी के साथ जितने भी फोटो होगा यहाँ पर सारे फोटोज़ आपको दिखाई देगा। उसके बाद मेरा कुछ यहाँ पर फोटोज़ है तो जितने भी मेरा फोटोज़ है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फोटोज़ है जो कि जैसा है उसके आदमी के साथ जो भी फोटो रहेगा सारे फोटो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहे, तो कुछ इस तरह रख सकते हैं नाम, कॉन्टैक्ट से आप नाम उठा के रख सकते हैं कॉन्टैक्ट के साथ, तो सारे फोटोज़ वहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरह। फिर उसके बाद लोकेशन, जहाँ पे आप वो ऑप्शन फिलहाल मुझे मिला नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ वैसा कुछ फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किया, अगर मैं करता तो आपको लोकेशन बेसिस पे भी कुछ फ़ोटोज़ मिल जाएगा कि किस लोकेशन पे आपने खींचा है अपने फ़ोटो, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था गैलरी का कुछ नया फीचर जो कि MIUI चाइना रोम पे मुझे नहीं मिला था, जो कि ग्लोबल रोम पे मिल गया है। उसके बाद और एक ऑप्शन जो कि मिस है अपने MIUI 9 की ग्लोबल रोम पे, वो है यहाँ पर आपको क्विक कट का ऑप्शन मिलता था। इस साइड से अगर स्वाइप करते थे लेफ्ट साइड से तो एक क्विक कट का ऑप्शन आता था, जहाँ कुछ टाइपिंग वगैरह करके आप अपने किसी भी ऐप्स को या किसी भी फाइल को ढूंढ सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन आपको शॉर्टकट्स मिल जाता था जो कि इस ग्लोबल ऑप्शन में नहीं है। पर MIUI का एक आप कर सकते हैं, मतलब चाइना रोम अगर फ्लैश करते किसी भी बीटा चाइना रोम को अगर फ्लैश करते हैं तो आपको चाइना रोम में वो पहले से अवेलेबल है, मतलब MIUI 8 से मतलब बहुत पहले से अवेलेबल है चाइना में, जो कि ग्लोबल रोम पर अवेलेबल नहीं है। पर ग्लोबल रोम पर देना चाहिए था वो कि इसमें नहीं है। क्विक कार्ड आपको मिल जाता था, ऊपर में एक सर्च बार मिलता था, वो भी फिलहाल इसमें नहीं है। तो और एक मिसिंग हमने दिखा दिया यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। उसके बाद अगर स्नैप बार में जाए, स्नैप कुछ वैसा का वैसा ही स्क्रीन का मोड मिल जाता है जो कि मैंने बताया, स्प्लिट स्क्रीन का मोड। उसके बाद इस तरह कुछ और बोलता है लाइटनिंग फास्ट, सच में बहुत फास्ट है। अगर यहाँ पर दिखाओ तो एप्लीकेशन खोल के देख सकते हैं बहुत सारे फास्ट है, जैसे कि हर एक एप्लीकेशन खुलता हो तो कुछ इस तरह खुल जाता है। यहाँ पर बहुत फास्ट है, बहुत आसानी से खुल जाता है कैमरा वगैरह जो भी खोलना चाहो। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप,
तो बहुत ही फास्ट, मतलब एक क्लिक और फास्ट हो गया। मेरा 2 GB रैम है फिर भी बहुत फास्ट हो जाएगा MIUI 8 से। पर आपके पास अगर 3 GB या 4 GB रैम का वो वेरिएंट होता है तो वो और भी फास्ट होगा, उसका रैम मैनेजमेंट और भी अच्छा होगा। पर एक बार बता, मेरा 2 GB रैम है इसलिए रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। मैं किसी भी एप्लीकेशन में अगर बैक जाता हूँ तो वहीं से स्टार्ट नहीं होता है। किसी किसी एप्लीकेशन का आपको मिलेगा, पर सारे ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर देख सकते थे, मैं व्हाट्सएप नहीं खुला खुल गया है, पर हर टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर टाइम ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है वो एप्लीकेशन फिर से रिलोड होता है। तो वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलता इस फोन में 2 GB पर। अगर 3 GB 4 GB का होता है तो रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद दिखा देते हैं, अगर लॉक स्क्रीन में आप जाते हो तो लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप करने के बाद ऑन हो जाता है। जैसे कि न्यू कुछ वॉलपेपर को देखने को मिलता है, जैसे कि MIUI 9 के चाइना रूम पे आपको मिलता था, तो यहाँ पर न्यू कुछ वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाता था, देख सकते हैं। पर ये तो MIUI 8 में था, ये 2 न्यू मिल रहा है जो कि MIUI 9 का खास फीचर है, क्योंकि मुझे बहुत सारे अपडेट्स मिलता था रोज़ाना MIUI 9 पे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता था। तो इस फ़ोन में भी आपको देखने को मिलता है वैसा कुछ फीचर। इसके बाद और एक फीचर जो आप जानते हैं, अगर लेफ्ट साइड से स्वाइप करते लॉक स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है MIUI होम, MIUI रिमोट और फ्लैश लाइट, जो कि कुछ इस तरह है। तो इस तरह ऑप्शन जो कि होना चाहिए था यहाँ पर, ये तो ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है जो लेफ्ट साइड से स्वाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे ही। इसके बाद अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्ट है, मतलब यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट देख सकते हैं मेरे पास, तो फिंगरप्रिंट जैसे ही मैं टैप करता हूँ बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टैप करके दिखाऊंगा, पहले से थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, मुझे मेजर डिफरेंस नहीं, मुझे जितना याद है थोड़ा, मतलब कुछ 0 point something ज़्यादा, पहले थोड़ा डिले करता कभी कभी, पर हाँ कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ये MIUI 8 में नहीं था, जो MIUI 9 का एक बग्स हो सकता है, क्योंकि कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऐसे 2 3 बार टैप करते उसके बाद भी नहीं खुलता है। और कभी कभी तो जैसे आपने देखा अभी खुल गया है, तो ये है, पर कभी कभी नहीं खुल रहा, कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद गूगल असिस्टेंट आपको इंटीग्रेट नहीं मिलता, फिर से वही आपको बीटा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, मतलब बीटा गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करके आपको गूगल असिस्टेंट आपको इनेबल करना पड़ता है। पर पहले क्या होता था कि नोगाट में जो खास फीचर है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा था पहले से गूगल असिस्टेंट लॉन्च, तो यहाँ पर जो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम वैसे ही चला लेंगे। और यहाँ पर आपको वेदर एप्लीकेशन जाए तो वेदर एप्लीकेशन का थोड़ा आइकॉन देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंज हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद इसे टैप करें तो यहाँ पर वेदर का एप्लीकेशन तो वैसा है, पर वहाँ पर जो उज्जस है उज्जस में थोड़ा बदल आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नया थीम सबको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं थीम पे जाऊँ तो यहाँ पर कुछ नया नया थीम सबको देखने को मिलता है, जैसे कि MIUI 9 पे मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर सिक्योरिटी पे जाऊँ, सिक्योरिटी पे कुछ नया ऑप्टिमाइजेशन नहीं ही किया गया है, जैसे कि आपको मिल रहा था 2-3 और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि MIUI 9 की चाइना रोम पे था, इस रोम पे नहीं है। तो नोटिफिकेशन पैनल भी कुछ चेंजेस नहीं है वैसे का वैसे डिफ़ॉल्ट, पर आपको नया एक थीम मिलता है जो कि इनबिल्ट MIUI 9 पे भी मिलता था, मतलब चाइना रोम जो था तो पहले से मिलता है, वो है लिमिटलेस। तो वो अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं लिमिटलेस कुछ इस तरह न्यू देखने को मिल रहा है, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एनिमेशन है जो कि अच्छा लगता है अपने MIUI 9 की डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पे। तो ये था मेन फीचर जो आपको मिल रहा था। और नया नया चीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर मैसेज में जाए तो मैसेज में कुछ इस तरह मिलता है, कुछ नया नहीं मिलता है मैसेज में। उसके बाद नए एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो कुछ नया नहीं मिलता, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इतना एप्लीकेशन मिल जाता है, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, स्काइप लाइट, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा तरह एप्लीकेशन मिल जाता है अपने MIUI 9 में इनबिल्ट। पर इसे आप सभी यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मिल जा रहा था। फेसबुक मैंने खुद से डाउनलोड किया, पेज मैनेजर वगैरह सावन कुछ मैंने डाउनलोड किया, अमेजोन, WPS, NewsDog, ये सब आपको मिल जाता है MIUI का इनबिल्ट। पर इसे सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं सिवाय MIUI पिक्स की, MIUI कम्युनिटी भी अनइंस्टॉल करते हैं, MIUI पिक्स आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन का और एक जो फीचर मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए, आप अगर फ़ोन में कुछ कस्टमाइज़ करते हैं तो। जैसे कि इस तरह मैं दोनों उंगली से अगर टैप करता हूँ, तैसे स्वाइप करता हूँ इस तरह क्लोज करके, तो कुछ आप इस तरह ऑप्शन मिलता है जो कि MIUI 9 के चाइना रूम पे भी मिल रहा था। तो इस तरह आप सारे सिलेक्ट करके इस तरह एक साथ करके किसी भी बार पे ले सकते, जैसे कि मैंने ले गया, फिर से यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके ले जाता हूँ तो इस तरह, तो इस तरह ये काम करता है। और यहाँ पर नया उज्जैस अगर जाए तो उज्जैस पेज नीचे आता था कुछ इस तरह, MIUI 8 पे नीचे इस तरह स्वाइप करके देखना पड़ता है, यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड पे पहले ही देखने को मिल रहा था। कुछ इस तरह बहुत सारे उज्जैस आपको मिल जाता है, अब इस तरह से कंट्रोल कर सकते। तो ये था। और यहाँ पर वॉलपेपर बहुत नया, क्या वॉलपेपर आपको मिल रहा है,
देखिए मेरे मैंने जितना देखा है वॉलपेपर नया कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। वैसे का वैसे दो एक मिल जाता है, जैसे कि ये एक तीन और नया कुछ नहीं, तीन वॉलपेपर को न्यू मिलता है ये तीनों, और सारे सब पुराने MIUI 8 पर आपको मिलता था, देखने को मिलता था। लॉक स्क्रीन तो हर डे आपको देता है ये लॉक स्क्रीन अपडेट, तो ये था एक फीचर। और उसके साथ एक साथ आप बहुत सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जैसे मैंने या सिलेक्ट एक साथ अनइंस्टॉल हो जाएगा, मैं अगर अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो। फिलहाल मैं अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ये था हमारा MIUI 9 का फीचर। मैंने कुछ लाइन या कुछ बोलने मिस कर गया तो मिस तो नहीं करना चाहिए, बहुत लेंदी एक वीडियो है, सारी चीज़ मैंने बता दिया फिलहाल। तो आप अगर चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, कुछ जानना है, कुछ FAQs रहा है तो आपके पास, तो आप बता सकते हैं कमेंट में, या फेसबुक में भी जाके पेज में भी लाइक देके कमेंट छोड़ सकते हैं वहाँ पर भी इनबॉक्स में। तो ये था हमारा MIUI 9 का रिव्यू। तो उम्मीद रहेगा ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक कर दीजिए, अब तक सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब। वीडियो में ही तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द वीडियो। बाय बाय।